हेलो प्यारे लक्ष्यंस, क्या हाल चाल बेटा। आज हमारा डिस्कशन है डीपीपी 10 का। ये डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज इसके अंदर टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दैट इज पावर। एंड पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बार इससे सवाल आया हुआ है, ठीक है, तो इसको बड़े डिटेल में समझेंगे बेटा। इसमें कुछ सवाल आपको मिलेंगे तो पावर से रिलेटेड, कुछ सवाल मिलेंगे आपको हीट से रिलेटेड, ठीक है। बेसिकली हीट और पावर ऑलमोस्ट सेम सेम सा हो जाएगा, सो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। मेरा नाम है नितीश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। लेट्स स्टार्ट। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज पावर कंज्यूम्ड इन द गिवन सर्किट इज P1 ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ 3 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टेंस द न्यू पावर कंजम्पशन इज P2। द रेशियो ऑफ P2/P1 इज, तो आपको रेशियो क्या होगा P2/P1 का। सो आपके पास बेसिकली दो केसेस है, एक तो करंट केस आपको दिख रहा है फिगर के अंदर एंड दूसरा केस क्या है जब आप इस 12 ओम और 3 ओम को इंटरचेंज कर देंगे। तो दैट मींस केस वाइज कंसीडर करते हैं। सो केस वन की बात करते हैं तो करंट सिनेरियो में आपका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। जो आपका ये सिनेरियो है, ये जो आपके पास सर्किट है 3 ओम और 6 ओम, ये कैसे है पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 × 3/6+3 एंड ये 12 ओम के साथ सीरीज में है तो +12, तो दैट मींस ये आ जाएगा 6 × 3 = 18/9 दैट इज 2 + 12 दैट इज 14 ओम। तो आर इक्विवेलेंट जो करंट सिनेरियो है, जो फिगर दे रखी है, उसमें कितना आ रहा है, उसमें आ रहा है 14 ओम। एंड अगर आर इक्विवेलेंट इतना आ रहा है तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं। करंट हो जाएगा V/R equivalent दैट इज 14/14 दैट इज 1 एम्पियर, ठीक है। करंट आ गया तो पावर P1 कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज I square R equivalent दैट इज 1 × R equivalent कितना है 14, तो ये आ जाएगा 14 वॉट। क्लियर। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने करंट क्यों निकाला, आप तो V/R square से V square/R से भी निकाल सकते थे। बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मन करे वैसे निकालो। आप I square R लगाना चाहते हो I square R लगाओ एंड V square/R लगाना चाहते हो वो लगा दो। बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर आगे मैं समझाऊंगा आपको, जब पैरेलल होगा सीरीज के केसेस होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला कब आपका यूजफुल होता है वो आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। इस केस में आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो P1 कितना आ रहा है, P1 आ रहा है 14 वॉट, ठीक है। नाउ P2 की बात करते हैं, यानी कि केस 2 की बात करते हैं। केस 2 के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, ये जो 12 है और जो 3 ओम है, इन दोनों की पोजीशन को क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। दैट मींस नया सर्किट दिखेगा वो कैसा दिखेगा, दिस इज 14 वोल्ट, यहां पर आपके पास आ जाएगा 3 ओम, देन वी हैव 12 ओम ओवर हेयर एंड यहां पर आ जाएगा 6 ओम, यहां पर आ जाएगा 6 ओम। अब आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये 12 और 6 कैसे हैं पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 × 6/12+6 एंड जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इस 3 ओम के साथ क्या होगा, इस 3 ओम के साथ हो जाएगा वो सीरीज में, तो दैट इज +3। तो 12 × 6 = 72 एंड 12+6 = 18/3, 18 × 72 जाएगा 4, 4+3 हो जाएगा 7 ओम। तो दैट मींस इसमें आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 7 ओम, ठीक है। तो आई हो जाएगा कितना, आई हो जाएगा आपका दैट इज 14/7 दैट इज 2 एम्पियर। तो पावर P2 कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2² × 7 दैट मींस 2² हो जाएगा 4 × 7 दैट इज 28 वॉट। कितना हो जाएगा 28 वॉट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P2/P1, ये निकालना है ना, P2/P1 निकालना है। तो दैट मींस 28/14 दैट इज 2 आ जाएगा। सो P2/P1 कितना आ रहा है, P2/P1 आ रहा है आपका 2। क्लियर। तो दैट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट। 3 bulbs of 25 watt 220 volt 60 watt 220 volt and 100 watt 220 volt bulbs are connected in series across 220 volt supply, then आपको brightness के बारे में बात करनी है। So brightness is directly proportional to power consumption, ठीक है। कोई भी element कितने power consume कर रहा है उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, brightness होगी, ठीक है।
नाउ अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो आपको जो पी वन है पी टू है एंड देन यू हैव पी थ्री, सो इनकी पावर है 25 वॉट, इसकी है 60 वॉट एंड इसकी है 100 वॉट। तीनों की रेटेड वोल्टेज जो है वो क्या है, सेम है। कौन सी पावर? रेटेड वोल्टेज सेम है, दैट इज रेटेड वोल्टेज है इसकी कितनी, दिस इज 220 वोल्ट, दिस इज 220 वोल्ट एंड दिस इज ऑल्सो 220 वोल्ट। क्लियर? तीनों की जो पावर है वो क्या है, तीनों की जो रेटेड वोल्टेज है दैट इज सेम। ठीक है, तो यहां से मैं इनका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा पहले वाले का, दैट इज आर वन विल बी इक्वल टू, अब हमें पावर पता है, पावर क्या होती है, पावर होती है वी स्क्वायर बाई आर। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, हमेशा रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज का यूज करेंगे। आई रिपीट, जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज का यूज करेंगे। तो यहां पर ये जो पावर दे रखी है ना, ये कौन सी पावर है, दीज आर द रेटेड पावर। ठीक है, दिस इज रेटेड पावर। ठीक है, रेटेड पावर एंड ये जो वोल्टेज गिवन है ये कौन सी वोल्टेज है, दिस इज रेटेड वोल्टेज, दिस इज रेटेड वोल्टेज। ठीक है, आपने घर में जो अप्लायंसेस वगैरह देखे होंगे, आप कभी भी बल्ब लेके आए होंगे तो आपने देखा होगा उनके ऊपर कुछ लिखा होता है, वो यही लिखा होता है। ठीक है, उनके ऊपर जो वोल्टेज मेंशन होती है वो रेटेड वोल्टेज मेंशन होती है, दैट इज इससे ज्यादा वोल्टेज पे ये काम नहीं करेगा, दे विल फ्यूज, दे विल फ्यूज। नाउ अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आर वन आ जाएगा कितना, पावर कितनी है 220। एक काम करता, रेजिस्टेंस की यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, देखो यहां पे इन्होंने मेंशन किया है कि रेटेड वोल्टेज सेम है, रेटेड वोल्टेज सेम है। सो आर क्या होता है, आर होता है वी स्क्वायर बाई पी, यहां से निकाल सकते हैं। रेटेड वोल्टेज सेम है तो डैट मीन रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पावर के। कौन सी पावर के, रेटेड पावर के। कौन सी पावर के, रेटेड पावर के। ठीक है, तो रेटेड पावर सबसे ज्यादा किसकी है, 100 वॉट है एंड सबसे कम किसकी है, 25 वॉट। ठीक है, नाउ इनको कैसे लगाया है, सीरीज में लगाया है, तो दैट मींस कैसे लगाया है, कुछ सीरीज में इस तरीके से, लाइक दिस, इस तरीके से हमने इसको सीरीज में लगाया है। ठीक है, सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, तीनों के अंदर जो करंट होगा दैट विल बी सेम, तो दैट मींस पावर जो होगी, पावर कंजम्पशन जो होगी, पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम दैट इज आई स्क्वायर आर। अब आई तो तीनों के लिए सेम है, तो दैट मींस जो पावर कंज्यूम्ड है, जो पावर कंज्यूम्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एंड अगर पावर कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अपन अपन आरपी के, दैट मींस आई कैन से जो पावर कंज्यूम्ड है, जो पावर कंज्यूम्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। तो दैट मींस सबसे ज्यादा पावर जिसकी होगी वो सबसे कम पावर कंज्यूम करेगा एंड सबसे ज्यादा, सबसे कम पावर जिसकी होगी वो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि द पावर कंज्यूम्ड बाई, पावर कंज्यूम्ड बाई 25 वॉट बल्ब विल बी मैक्सिमम, एंड अगर उसकी पावर कंजम्पशन मैक्सिमम तो मतलब वो क्या होगा, ब्राइटेस्ट होगा, वो क्या होगा, ब्राइटेस्ट होगा, सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा होगा। तो ऑप्शन चेक कर लो, दैट इज ऑप्शन ए, 25 वॉट बल्ब विल बी ब्राइटेस्ट, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए एक जाएगा एकदम सही। ठीक है, तो सीरीज के अंदर आपको रेजिस्टेंस निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेटेड वोल्टेज तीनों की क्या है, सेम है। ठीक है, रेटेड वोल्टेज तीनों की क्या थी, सेम थी। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अगर रेटेड वोल्टेज सेम है तो जो रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेटेड पावर के, एंड सीरीज के अंदर करंट सेम होगा तो पावर कंजम्पशन होती है आई स्क्वायर आर। अगर आई सेम है तो दैट मीन्स पावर कंजम्पशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर के, रेजिस्टेंस के। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट निकल के आया
पावर कंज्यूम जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ रेटेड पावर। ठीक है, दैट मींस जब 25 वाट बल्ब होगा उसकी मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होगी, यानी कि सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा। ठीक है, और सबसे डिम कौन सा होगा, सबसे डल होगा कौन सा, 100 वाट वाला। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अ कॉइल हीटिंग अ फुल बकेट वाटर रेजेस द टेम्परेचर बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड इन 2 मिनट्स। इफ करंट इन द कॉइल इज डबल्ड, व्हाट विल बी द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। कंसिडर नो लॉसेज ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग को कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है। बेटा सवाल में थोड़ा सा मैं 11th का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहूंगा। आपको याद होगा 11th के अंदर हम लोग जब हीट की बात करते थे, ठीक है, हीट सप्लाइड जब इसकी बात करते थे, उसको लिखते थे मास m c डेल्टा t, जहां पे m होता है बेटा मास, c होता है आपका स्पेसिफिक हीट, c होता है स्पेसिफिक हीट, एंड डेल्टा t इज टेम्परेचर डिफरेंस, या टेम्परेचर चेंज भी कह सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर चेंज भी कह सकते हो। तो ये हीट सप्लाइड जो है ये बेसिकली ये जाती है किसके अंदर, आपके ये टेम्परेचर रिलेट करती है, जो हीट है आपके टेम्परेचर को रिलेट करती है। ठीक है, नाउ हो क्या रहा है, आपके पास एक बकेट है एंड बकेट के अंदर आपने पानी को फुल किया हुआ है इस तरीके से, एंड लेट सपोज आपके पास एक कॉइल है। ठीक है, क्या है, एक हीटिंग कॉइल है, एक हीटिंग कॉइल है। क्लियर, नाउ ये जो हीटिंग कॉइल है ये हीट सप्लाई करेगी, एंड ये जो वाटर है इसके अंदर ये हीट क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, हीट क्या करेगा, गेन करेगा। सो अगर मैं यहां पे बात करूं, बेटा एक सेकंड बस, अगर यहां पे मैं बात करूं, अगर यहां पे मैं बात करूं किसकी, हीट सप्लाई की, हीट सप्लाइड की, तो हीट सप्लाइड कौन करेगा, हीट सप्लाई इलेक्ट्रिकल हीट है, दैट इज आई स्क्वायर आर टी। हीट सप्लाई क्या होगी, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, एंड हीट गेन कितनी होगी, हीट गेन दैट विल बी इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, यहां पर इस केस में बात होगी। ठीक है, तो ये जो हीट सप्लाइड है इसको जनरलाइज मत करो, राइट दिस एज हीट ओनली। ठीक है, दिस इज ओनली हीट। ठीक है, दिस इज हीट। क्लियर, सो हीट सप्लाइड कितनी है, यहां पे हीट सप्लाई कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल हीट सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज आई स्क्वायर आर टी, और हीट गेन जो हो रही है वो कौन सी हो रही है, दैट इज एम सी डेल्टा टी, यानी कि हीट जो जा रही है सारी की सारी, जो इलेक्ट्रिकल से हीट आ रही है वो उसके टेम्परेचर को राइज करने में यूज हो रही है। जैसे आपने घर के अंदर हीटर देखे होंगे, हीटर्स होते हैं, पानी की रॉड्स होती हैं। ठीक है, वो रॉड क्या करती है, रॉड से जब हम लोग जैसे हम स्विच ऑन करते हैं करंट फ्लो करता है, तो जूल हीटिंग इफेक्ट आता है जिसकी वजह से रॉड हीट होती है, एंड जो भी वो हीट लूज करता है, जो भी हीट सप्लाई करते हैं हम लोग, वो सारे का सारा गेन कर लेता है कौन, पानी, और आपका पानी बॉइल करने लग जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है सराउंडिंग को, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगी, यानी कि पानी सारी सारी अब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसका मतलब वी कैन राइट आई स्क्वायर आर टी, दिस विल बी इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब देखो सवाल कितना आसान हो गया है, अगर आपको ये समझ में आ गया है। तो पहले इसने कहा कि जब हमने कॉइल हीट कर रही है तो उसने 5 डिग्री राइज किया जब 2 मिनट के अंदर, तो दैट मीन्स पहली कंडीशन क्या है, लेट से करंट आई फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस आर है, टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट, एंड इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें वो एम सी डेल्टा टी, यानी कि उसमें वो उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज कर दे रहा है। ठीक है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज कर दे रहा है। क्लियर, दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड केस में क्या किया, सेकेंड केस में हमने करंट को डबल कर दिया, करंट इज डबल, तो दैट मींस जो नया करंट होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 2i, सो 2i का स्क्वायर r। अब टाइम कितना पूछ रहा है, कितने टाइम में, 1 मिनट में पूछ रहा है, तो दैट मींस टाइम आ जाएगा कितना, 1, दिस विल बी इक्वल टू mc, एंड कितना टेम्परेचर चेंज हुआ ये हमें निकालना है, तो दिस इज इक्वेशन 2। इनको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, रेशियो ले लेता हूँ, तो देखो क्या आएगा, यहां से आई स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट, दैट इज आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
आर से आर खुपाच, एम सी से एम सी खुपाच, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4, दिस विल बी इक्वल टू 5 अपॉन डेल्टा टी, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2, तो डेल्टा टी आ जाएगा 5 टू द 10 दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अब की बार जो टेम्परेचर राइज होगा वो कितना होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका हो जाएगा एकदम सही, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा यहाँ पे 11th कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, दैट इज एमसी डेल्टा टी। हीट क्या होती है, एमसी डेल्टा टी होती है, एम होता है मास, सी होता है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस। जितनी भी हीट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितनी भी इलेक्ट्रिकल हीट आ रही है, जूल हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो हीट आ रही है, वो सारा का सारा हीट कौन गेन कर लेगा, वो सारे के सारे हीट अब्सॉर्ब कर लेगा आपका पानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, a 220 volt 1000 volt 1000 watt bulb is connected across a 110 volt main supply, the power consumed is, to kitni power consume hogi, so hum log yahan par resistance nikal sakte hain, maine resistance ke liye bataya tha hum log kya use karenge, rated power ka use karenge, theek hai, to resistance kitna ho jayega, that will be equal to 220 ka square divided by 1000, this is the resistance, and सप्लाई कितना किया है हमने 110 वोल्ट, तो पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी, सो पावर कंज्यूम दैट विल बी इक्वल टू वी सप्लाइड, ये सप्लाइड वाली है, ठीक है, जितनी सप्लाई वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वी सप्लाइड कितना है, दैट इज 110, तो 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि 220 का स्क्वायर 1000 नीचे है ऊपर आ जाएगा, सो इनटू 1000, तो इसको जब कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 4, 4 से 1000 को कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 250 वॉट, कितना आ जाएगा 250 वॉट, तो दैट मींस ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तो ध्यान रखना बेटा रेटेड वोल्टेज का ही यूज करते हैं रेजिस्टेंस के लिए हमेशा, ठीक है, रेटेड वोल्टेज का, सप्लाइड वोल्टेज का कभी भी यूज नहीं करते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए, क्लियर। चलिए, a cell of internal resistance R is connected across an external resistance. Maximum power delivered by this cell is, तो maximum power कितनी deliver करेगा cell के अंदर? तो let suppose ये आपके पास एक cell है, जिसका EMF E है, internal resistance R है, और एक अपने पास एक load resistance है, that is capital R, ठीक है? So according to maximum power ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो आपका जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और आर इक्वल टू आर है तो डैट मीन्स ये हो जाएगा स्मॉल आर प्लस आर, डैट इज ई बाई टू आर, दिस इज द करंट, सर्किट के अंदर करंट ये है। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर डिलीवर्ड हमेशा किसके अक्रॉस देखते हैं, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखते हैं, सो पावर डिलीवर्ड का मतलब हो जाएगा आई स्क्वायर कैपिटल आर, सो आई कितना है, आई है अपॉन ई बाई टू आर का स्क्वायर, और कैपिटल आर किसके बराबर है, स्मॉल आर के, दैट मीन्स स्मॉल आर, बिकॉज आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो यहां पर आ जाएगा कितना ई स्क्वायर बाई फोर आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर से आर हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाई फोर आर, ठीक है, तो दैट मीन्स पावर डिलीवर्ड कितनी होगी, ई स्क्वायर बाई फोर आर, दिस इज द मैक्सिमम पावर एक सेल जो डिलीवर कर सकता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर द पावर आउटपुट इन द सर्किट शोन बिलो विल बी मैक्सिमम, अगेन हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मैंने अभी आपको बताया मैक्सिमम पावर के लिए लोड रेजिस्टेंस आर शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर यहां पे कितना है 4 ओम, ये लगा रखी है बैटरी, ये बैटरी है एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो दैट मीन्स ये जो पूरा सर्किट है इसका इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 4 ओम होना चाहिए फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। तो यहां पे देखो कितना है, ये 3 ओम है और ये 2 और R क्या है, पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा
ये जो पैरेलल में है आर और टू, इनका हो जाएगा टू इन टू आर डिवाइडेड बाई टू प्लस आर, और ये तीन ओम के साथ क्या है, सीरीज में है, तो प्लस तीन, ठीक है, प्लस तीन. एंड दिस शुड बी इक्वल टू, ये जो टोटल है ये किसके बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू फोर अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एमपीटी, ठीक है. तो यहां से आ जाएगा कितना, दिस विल बी टू आर अपॉन टू प्लस आर, फोर माइनस थ्री दिस विल बी इक्वल टू वन, तो इसका मतलब टू आर विल बी इक्वल टू टू प्लस आर, दैट मीन्स टू आर माइनस आर दिस विल बी आर, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू ओम्स आ जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा. तो रिमेंबर, जो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट होगा, पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट होगा, दैट शुड बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस. और सेल कॉम्बिनेशन भी अगर आ जाता, इसके इसकी जगह पे क्या होता, मान लो सेल कॉम्बिनेशन होता, दैट मीन दो तीन सेल लगे हुए होते, तो उन तीनों सेल का जो भी इक्विवेलेंट आता, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आता, उसके बराबर होना चाहिए आपके लोड रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, जितना भी आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखे हैं उसका इक्विवेलेंट, और आपके जितने भी सेल लगे हुए हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. क्लियर. चलिए नेक्स्ट. अ बैटरी हैज ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू अ लोड इज, तो मैक्सिमम पावर कितनी डिलीवर होगी, तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, वैसे तो आई कैन डायरेक्टली यूज दैट, दैट इज द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड दैट विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4R. तो E कितना है, E है 4, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, तो दैट मीन्स 16/8, तो ये हो जाएगा कितना, 2 वॉट, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही, ठीक है. तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड जो है वो कितनी है, दैट इज ई स्क्वायर बाई 4R. क्लियर. ये मैंने अभी प्रूफ किया है, इसलिए दोबारा से इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अदरवाइज कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज द पावर डेवलप इन एन अननोन रेजिस्टेंस आर इज सेम एज द पावर डेवलप इन द रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम व्हेन दीज आर कनेक्टेड सेपरेटली अक्रॉस ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज. तो दैट मीन्स आपके पास दो सर्किट हैं, ठीक है, दो सर्किट हैं. लेट से एक सर्किट कुछ इस तरीके का है, ठीक है, जहां पर आपने एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है, जहां पर एक बैटरी लगा रखी है, लेट से ई, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम एंड एक लोड रेजिस्टेंस है कैपिटल आर. ये केस वन है. सेकंड केस के अंदर बैटरी वही है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी वही है, बस लोड रेजिस्टेंस को हटा के कितना कर दिया है, 8 ओम. तो ये पूछ रहा है कि जब दोनों के अंदर पावर डेवलप जो है वो सेम है, दोनों के अंदर 8 ओम जो है, यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं, दैट इज आर और 8 ओम, इन दोनों के अक्रॉस जो पावर डेवलप्ड है वो सेम है, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए इस कैपिटल आर की, इस कैपिटल आर की क्या वैल्यू होनी चाहिए. क्लियर. तो इसको मैं बेटर जनरलाइज करके करता हूं, ठीक है. मैं लेट से इसको मैं स्मॉल आर कह रहा हूं, इसको मैं स्मॉल आर कह रहा हूं, इसको मैं लेट से आर टू कह देता हूं, इसको मैं कह देता हूं आर वन. तो मैं जनरलाइज रिजल्ट निकाल के बताता हूं आपको, उसके बाद आप डायरेक्टली एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, ठीक है. तो देखो कैसे, पहले केस की अगर मैं बात करूं, तो पहले केस में जो पावर डेवलप्ड होगी, पावर डेवलप अक्रॉस आर वन, आर वन के अक्रॉस जो पावर डेवलप्ड होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी आई स्क्वायर आर वन, और आई कितना हो जाएगा, बैटरी है ई की, रेजिस्टेंस कितना है R1 अपॉन R, तो दैट मींस करंट हो जाएगा E अपॉन R1 प्लस स्मॉल r एंड इसका स्क्वायर इनटू R1, ठीक है. सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस इज पावर डेवलप्ड अक्रॉस R2, R2 के अक्रॉस कितने पावर डेवलप्ड होगी, दैट विल बी I स्क्वायर R2, दैट मींस E अपॉन R2 प्लस R का होल स्क्वायर इनटू R2, ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों पावर डेवलप जो हुई है R1 और R2 के अक्रॉस, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि E स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R का स्क्वायर
into R1, this will be equal to E square divided by R2 plus R the whole square R2. And यहां से हम लोग E square को E square कर सकते हैं cancel out. So that means यह आ जाएगा R1 upon R1 plus R का square and this will be equal to R2 upon R2 plus R का square. इसको reshuffle करके लिखते हैं, तो यहां पे लिखते हैं R1 by R2. So this will be equal to R1 plus R upon R2 plus R and इसका whole square. स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो रूट बन जाएगा, तो रूट हो जाएगा R1 by R2 and this will be equal to R1 plus R divided by R2 plus R. Now क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा R2 into root R1 plus R into root R1. This will be equal to R1 into root R2 plus R into root R2. ठीक है. Now, जो स्मॉल r वाले टर्म है उन सबको एक तरफ लेके जाते हैं और जो बाकी बचे हुए उनको एक तरफ लेके आते हैं, तो क्या बचेगा, यू विल गेट r2 रूट r1 माइनस r1 रूट r2, दिस विल बी इक्वल टू r, दिस विल बी इक्वल टू r रूट r2, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो दैट मींस रूट r2 माइनस रूट r1. क्लियर. नाउ अब ये जो टर्म्स है R2 root R1 minus R1 root R2, इसके अंदर से मैं कॉमन ले रहा हूं, आई एम टेकिंग कॉमन रूट R1 R2. रूट R1 R2 को मैंने क्या लिया है, कॉमन लिया है. अगर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, रूट R1 से रूट R1 कैंसिल, R2 बार रूट R2 बचेगा कितना, रूट R2. R2 by रूट R2 बचेगा रूट R2 माइनस, जब इसमें से रूट R1 R2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, देखो रूट R2 से रूट R2 कैंसिल, R1 by रूट R1 बचेगा root R1 and this will be equal to R root R2 minus root R1. अब यहां से ये हो जाएगा खुपाच, तो that means ये बचेगा root R1 R2, this will be equal to R and this is the condition for same power developed, for same power developed. सेम पावर डेवलप्ड होने की ये कंडीशन है. अब देखो सवाल कितना आसान हो जाएगा. अब सवाल देखो, ये तो आपको मैंने डिराइव करा दिया, अब आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बार बार इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है आर, एक वैल्यू दे रखी है एट और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, फोर ओम्स. तो दैट मीन्स स्मॉल आर दे रखा है फोर ओम्स, आर वन दे रखा है कितना, R1 को R मान लो, R2 को मान लो कितना 8 ohms. रख दो वैल्यूज तो कितना आ जाएगा, देखो 4 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 8R, स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 16 विल बी इक्वल टू 8R, तो दैट मींस R आ जाएगा कितना 2 ohms. एक लाइन में आंसर, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस, अदरवाइज हर बार इतनी मेहनत करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. अगर आप ये भी सोचोगे ना कि एक असर याद करने की जरूरत है, हम लोग तो पावर को इक्वेट करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, नहीं आ पाएगा, बहुत मेहनत लगती है. ठीक है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करके देखना, दोनों केसेस में पावर लिखना और उनको सॉल्व करके देखना, टाइम लगेगा. ठीक है, मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी. ठीक है, और हो सकता है क्वाड्रेटिक भी बनेगी, क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि वैल्यूज आ जाएंगी ना, तो क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करोगे फिर टाइम लगेगा. ठीक है, तो इसलिए रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ठीक है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्लियर. तो दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, दैट इज 2 ओम्स. क्लियर, चलिए नेक्स्ट. अ हीट प्रोड्यूस इन 1000 वॉट हीटर इन 4.2 मिनट विल बी अबाउट. तो आपकी हीट क्या होती है, व्हाट इज हीट, हीट होती है पावर इनटू टाइम, हीट होती है पावर इनटू टाइम. तो पावर आपको दे रखी है 1000 वॉट, टाइम आपको मिनट्स में दे रखा है तो उसको सेकंड में करेंगे तो दैट इज इनटू 60 कर देंगे. दिस इज पावर, दिस इज हीट, एंड यूनिट क्या आएगी, यूनिट विल बी जूल्स, एंड वी नो दैट 1 कैलोरी जो होती है वो होती है 4.2 जूल्स के बराबर. तो दैट मींस अगर ये इतना जूल्स इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो आपकी हीट क्या हो जाएगी,
हीट हो जाएगी 1000 इंटू 4.2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरीज। तो यहां से 4.2 से 4.2 के 5, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 4 कैलोरीज, क्योंकि एक जीरो यहां पर है, तीन जीरो ये है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4, तो 6 इंटू 10 की पावर 4 कैलोरीज। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर आप जूल्स में निकालना चाहते हो तो देखो जूल्स में कितना आएगा, ये 4.2 इंटू 60, इसको जीरो को कैंसिल कर दो, पॉइंट हटा दो, तो 6 2 12 एंड 6 4 24 1 252 इंटू 10 की पावर 3, दैट मीन्स 2.52 इंटू 10 की पावर 5 आ रहा है, 2.52 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स। ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू कैलोरीज, ओके, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ टू बल्ब्स B1 60 वॉट 110 वोल्ट एंड B2 दैट इज 100 वॉट एंड 110 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द 220 वोल्ट DC सोर्स, देन बोथ बल्ब विल फ्यूज, B1 विल फ्यूज, B2 विल फ्यूज, बोथ विल ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। अब जब भी आपको बल्ब के फ्यूज होने की बात करनी है तो तीन चीजों में कंपेयर कर सकते हो। पहला, या तो आप उनके करंट निकाल लो उनके अक्रॉस, ठीक है, आप रेटेड करंट निकालो एंड एक्चुअल करंट निकालो कितना फ्लो कर रहा है उससे। अगर रेटेड करंट से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा तो फ्यूज कर जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि अगर रेटेड वोल्टेज या फिर रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे तो भी वो फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, तो भी वो फ्यूज कर जाएगा, या फिर आप पावर से कह सकते हो, ठीक है, आप तीनों मतलब जितनी पावर रेटेड पावर कितनी है 110 वोल्ट, पावर कंजम्पशन ज्यादा हो जाए 120 वोल्ट, सॉरी पावर कंजम्पशन कितना है 60 वाट, ठीक है, रेटेड पावर कितनी है 60 वाट एंड पावर कंजम्पशन अगर 70 वाट हो जाए 80 वाट हो जाए तो भी वो फ्यूज कर जाएगा। तो किसी भी तीन पैरामीटर्स में से कोई भी एक निकाल के कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ पहले केस में क्या है, B1 बल्ब जो है, B1 के लिए अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, रेजिस्टेंस हो जाएगा 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 एंड R2 हो जाएगा कितना, R2 हो जाएगा 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। नाउ अब मेरे को क्या दे रखा है, रेटेड पावर दे रखी है, रेटेड वोल्टेज दे रखी है, तो क्या मैं यहां से रेटेड करंट निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो I1 क्या है, I1 इज रेटेड करंट ऑफ बल्ब वन, B1 का रेटेड करंट है I1, कितना होगा, वी नो दैट P इज इक्वल टू VI होता है, तो I हो जाएगा P बाई V, तो P कितना है, P इज 60, V इज 110, तो ये आ जाएगा 6/11 एम्पियर। देन वी हैव I2 हो जाएगा कितना, I2 विल बी इक्वल टू 100/110 दैट इज 10/11 एम्पियर, ठीक है। अब मैंने करंट निकाल लिया, अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सीरीज कनेक्शन दे रखा है इन दोनों बल्ब्स का, तो दोनों बल्ब्स को उठाओ सीरीज में लगा दो, ये लो जी सीरीज में लगा दिया। सप्लाई कितने की है, सप्लाई है 220 वोल्ट की, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, तो यहाँ पे मैं करंट निकाल सकता हूँ, करंट हो जाएगा 220 अपॉन R1 प्लस R2, तो दैट मींस 220 डिवाइडेड बाई 110 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर बाई 60 प्लस 110 का स्क्वायर बाई 100, तो 220 को ऐसे ही रहने दो, 110 को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1/60 प्लस 1/100, तो 220 एक से कैंसिल कर सकते हैं इसको, यहाँ पे इसको लिखते हैं 110 इंटू 110, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 110, एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम विल बी 300, 60 और 300 दिस विल बी 5 प्लस 100 दिस विल बी 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 8, तो 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 एंड 4 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 75, सो यू विल गेट 75/110 एम्पियर, 75/110 एम्पियर, दिस इज आई।
I1 कितना है 60/110 और I2 कितना है 100/110. तो that means I is greater than I1. क्यों? That is 75/110 will be greater than by 60/110. ठीक है, तो इसका मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है बी वन से, बी वन के अंदर वो ज्यादा है उसके रेटेड करंट से, यानी जितना करंट वो झेल सकता है उससे ज्यादा करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है. तो दैट्स वाई ये जो बी वन है ये क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा. बी वन जो है वो क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा. एंड अगर मैं बी टू की बात करूं तो बी टू के लिए देखो क्या है, ये जो आई है दैट इज लेस देन आई टू. कैसे? That is 75/110 is less than 100/110. ठीक है, that means आपको जो बल्ब 2 है वो फ्यूज नहीं करेगा. तो इसका मतलब B1 जो है वो क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा. That is option B is correct. Clear? आप यहाँ पे potential से भी कर सकते हो, इनके across potential निकाल के कर सकते थे, मैंने current से कर लिया. क्यों? क्योंकि series के अंदर current same रहता है. ठीक है, series के अंदर current same रहता है. तो एक स्टेप में आंसर आ गया मेरा, मैंने बस फाइनल करंट निकाला, कंपेयर कर लिया करंट से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल इन द फिगर शोन, विच बल्ब ग्लोज ब्राइटेस्ट. तो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा बल्ब ग्लो करेगा. ठीक है, सो देखो सिंपल सी बात है, यहां से कुछ करंट आएगा आई, एंड कैसा करंट होगा, टोटल करंट होगा, जितना भी टोटल करंट फ्लो कर रहा होगा वो यहां से पास कर रहा होगा. यहाँ पे करंट आके डिवाइड होगा, कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा. लेट से यहाँ आई वन गया, यहाँ पे कुछ आई टू गया, एंड फाइव के अंदर वापस से कितना आ गया, आई आ गया. फाइव के अंदर वापस से आई आ गया. ठीक है, सो बी वन और बी फाइव के लिए अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आई स्क्वायर इन टू आर. और जबकि मैं बी टू के लिए जो लिखूंगा वो लिखूंगा आई टू का स्क्वायर इन टू आर. और बी थ्री इक्वल टू बी फोर लिखूंगा कितना, आई वन का स्क्वायर इन टू आर. अब आई वन प्लस आई टू मिलाकर आई बन रहा है, आई वन प्लस आई टू मिलाकर आई बन रहा है. तो दैट मीन्स आई तो टोटल करंट है, सबसे ज्यादा करंट है. तो इसका मतलब बी वन और बी फाइव के अंदर जो पावर कंज्यूम होगी वो सबसे ज्यादा होगी. तो दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, दैट इज बोथ वन एंड फाइव विल ग्लो ब्राइटेस्ट, क्योंकि पावर कंजम्पशन जो है दोनों में सेम है और मैक्सिमम है. ठीक है, करंट जितना करंट बैटरी सप्लाई कर रही है उतना पूरा का पूरा करंट वन और फाइव में जा रहा है, कोई करंट डिवीजन नहीं हो रहा. जितना करंट बैटरी सप्लाई कर रही है उतना पूरा करंट वन और फाइव में जा रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाई दे विल ग्लो ब्राइटेस्ट. ओके, नेक्स्ट. टू बल्ब्स ए एंड बी ऑफ रेटिंग 40W and 200V एंड 100W and 200V रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 400V DC सप्लाई. देन तो आपके पास दो बल्ब है फिर से, ठीक है, एंड आपने उनको 400 वोल्ट के साथ अपना अटैच कर दिया है. ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा, कौन सा ग्लो करेगा. सो अगेन अगर मैं R1 की बात करूं, R1 हो जाएगा कितना, दिस R1 विल बी इक्वल टू 200 का स्क्वायर बाय 40. एंड R2 हो जाएगा कितना, दिस विल बी 200 का स्क्वायर बाय 100. सो कैंसिल करें, इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो 200 का स्क्वायर जो है उसको 200 × 200 लिख रहा हूँ, तो 40 से कैंसिल करो कोई 5, तो 200 × 5 हो जाएगा कितना, 1000 ohms. 100 से इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 2 × 200 हो जाएगा कितना, दिस विल बी 400. ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इसको सीरीज में कनेक्ट किया है. तो दैट मीन्स इस तरीके से ये सर्किट है, दिस इज आर वन, दिस इज आर टू, और यहां पर हमारे पास 400 volt. ठीक है, तो कुछ करंट आएगा आई, तो आई हो जाएगा कितना, 400 upon R1 plus R2. 400 upon R1 plus R2 दैट इज 400 divided by 1000 plus 400, तो ये हो जाएगा 400 by 1400. 20 से 20 कैंसिल कर दो, सो यू विल गेट I will be equal to 4/14, that is 2/7 ampere. ठीक है, ये करंट आ गया. अगर मैं रेटेड करंट की बात करूं, रेटेड करंट ऑफ I1, रेटेड करंट ऑफ बल्ब 1 B1
कितना हो जाएगा आई वन, एंड वो कितना होगा, डैट विल बी इक्वल टू पी इक्वल टू वी आई होता है, तो पी बाई वी हो जाएगा। पावर कंज्यूम कितनी है, पावर कंज्यूम है 40 वॉट, पावर कंज्यूम है 40 वॉट। वोल्टेज कितनी है, रेटेड वोल्टेज इज 200, तो ये आ जाएगा कितना 1/5, दैट इज 0.2 एम्पीयर। क्लियर। एंड अगर मैं रेटेड करंट की बात करूं, रेटेड करंट ऑफ बी टू, सो दिस विल बी इक्वल टू आई टू, ये हो जाएगा कितना, पावर कंजम्पशन कितनी है 100 वॉट, सो 100/200 दैट इज 1/2, यानी कि 0.5 एम्पीयर। अब सर्किट में करंट कितना है, सर्किट में करंट है 2/7, यानी कि 0.260, यानी कि 8405, तो अप्रोक्सीमेटली इतना कुछ करंट है 0.285। दैट मींस आई जो है वो आई वन से बड़ा है, आई जो है वो आई टू से छोटा है, तो इसका मतलब बी वन विल फ्यूज, बी वन जो है वो क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बल्ब ए विल फ्यूज बट बल्ब बी विल नॉट, तो दैट मींस ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक केटल हैज टू कॉइल्स, व्हेन वन ऑफ दीज इज स्विच ऑन द वॉटर इन द केटल बॉइल्स इन 6 मिनट, व्हेन द अदर कॉइल इज स्विच ऑन अलोन द वॉटर बॉइल्स इन 3 मिनट्स। इफ द टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पे के नहीं आएगा, यहाँ पे इफ आएगा। If the two coils are connected in series, the time taken to boil the water in the kettle is, तो कितना time लगेगा water को heat होने में? तो that means कैसे लगाए हैं, series में लगाए हैं, तो series का time आपको sir ने derive कराया है, आदित्य sir ने इसका पूरी derivation कराई है, किसी को formula में दिक्कत हो तो वहां से देख लेना। Series का time होता है T1 + T2, series का time होता है T1 + T2, तो that means कितना हो जाएगा 6 + 3, that is 9 मिनट्स। अन्य अगर ये पैरेलल में होता तो फॉर्मूला होता पैरेलल के लिए T1 T2 / T1 + T2, ठीक है, ये पैरेलल के केस में हो जाता, ठीक है। तो दैट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अ 30 volt 900 watt लैंप इज टू बी ऑपरेटेड ऑन ए 120 volt DC लाइन, the value of the resistor should be connected for proper glow. अब देखो रेटेड वोल्टेज कितनी है 30 वोल्ट की, सप्लाई कितने की लगा दी 120 वोल्ट की, ये तो फ्यूज कर जाना चाहिए, बट लेकिन हम चाहते हैं कि वो फ्यूज ना करे, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, सो डैट उसके अक्रॉस ड्रॉप जो है वो कम हो जाए। हम ये भी चाहते हैं कि वो प्रॉपर ग्लो करे, प्रॉपर ग्लो का मतलब होता है मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ, ठीक है। प्रॉपर ग्लो का बेसिकली मतलब है मैक्सिमम ब्राइटनेस, इसका मतलब क्या है कि रेटेड वोल्टेज उसके अक्रॉस आए या फिर वो रेटेड पावर पर काम करे, पावर कंजम्पशन कितनी हो, रेटेड पावर के बराबर हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। प्रॉपर ग्लो का मतलब है कि मैक्सिमम ब्राइटनेस या फिर रेटेड वोल्टेज सेम हो, रेटेड वोल्टेज और सप्लाइड वोल्टेज जो है वो दोनों के अक्रॉस सेम होनी चाहिए, या फिर रेटेड पावर जो है, रेटेड पावर और जो पावर कंज्यूम्ड है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो सर्किट क्या बनेगा, सर्किट कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके का, ये 120 वोल्ट ये सीरीज रेजिस्टेंस आर, और ये हमारे पास बल्ब है, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बल्ब का, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू V² / P, दैट इज 30² / 90, दैट मींस 900/90, तो ये आ जाएगा 10 ohms, दैट मींस ये रेजिस्टेंस कितना है 10 ohms। क्लियर। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 120/10 + R। नाउ पावर कंजम्पशन निकाल सकते हैं, पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब हो जाएगा कितना, I² × R बल्ब का, I कितना है, I है हमारे पास 120/10 + R इसका स्क्वायर, एंड बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 10। अब ये जो पावर कंज्यूम्ड है दिस शुड बी इक्वल टू रेटेड पावर फॉर प्रॉपर ग्लो,
तो ये बराबर हो जाएगा किसके, दिस विल बी इक्वल टू 90 वॉट, दैट इज 90 वॉट। तो 10 से इसको कैंसिल करोगे तो 9 बचेगा, तो यू विल गेट 120 अपॉन 10 प्लस आर का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 9, और 9 को लिख सकते हो क्या 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर को 5, तो दैट मींस यू विल गेट 120 अपॉन 10 प्लस आर, दिस विल बी इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 120 विल बी इक्वल टू 30 प्लस 3 आर, दैट मींस 120 माइनस 30 दिस विल बी 90 इक्वल टू 3 आर, तो आर आ जाएगा कितना 30 ओम्स, और कैसे सीरीज में, ठीक है, कैसे लगाया था सीरीज में, दैट मींस 30 ओम्स इन सीरीज विद द बल्ब, दैट मींस ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा, क्लियर है। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस टुडेज डीपीपी 10, आई होप यू लाइक इट, ऑल द वेरी बेस्ट।